Good evening all. I am Dr. Nazia. I am a resident medical officer in Neurogen Brain and Spine Institute. I am a part of Asha Ek Hope Foundation. आज मैं आपके साथ एक टॉपिक डिस्कस करना चाहती हूँ जिसका नाम है यूज ऑफ बाईपैप इन एमएनडी और एएलएस. सबसे पहले हम बात करते हैं एमएनडी डिजीज और एएलएस. व्हाट इज इट? एमएनडी मोटर न्यूरॉन डिजीज है. इट्स अ रेयर न्यूरोलॉजिकल कंडीशन दैट अफेक्ट्स प्राइमरीली जो हम मसल्स को वॉलेंट्री मसल्स यानी कि जो हम मसल्स खुद से मूव खुद की मर्जी से मूव या फिर रेजिस्ट कर सकते हैं उन मसल्स को अफेक्ट करता है. इन सम लेटर स्टेजेस इट अफेक्ट्स द रेस्पिरेटरी ट्रैक जिनमें स्वॉलोइंग डिफिकल्टी भी हो सकती है कभी कभी एंड बिकॉज ऑफ स्वॉलोइंग डिफिकल्टी एस्पिरेशन के चांसेस होते हैं. व्हाट इज एस्पिरेशन? जब हम हमारे जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है उसमें दो पाइप है, वन इज विंड पाइप एंड वन इज रेस्पिरेटरी पाइप. जब हम सांस लेते हैं तो वो रेस्पिरेटरी पाइप में जाता है और फूड पाइप में लाइक द फूड गोज. तो एस्पिरेशन में क्या होता है? व्हेन द जो फूड जो है हम जो खाते हैं बिकॉज ऑफ स्वॉलोइंग डिफिकल्टी इट गोज इन टू द एयर पाइप. एयर पाइप में जाने की वजह से लाइक द एस्पिरेशन के रीजन हो सकते. देन इन द लेटर स्टेजेस जैसे मैंने आपको बताया कि रेस्पिरेटरी सिस्टम को अफेक्ट करता है. सो समटाइम्स अ पेशेंट मे फील ब्रीदिंग डिफिकल्टी व्हाइल इन द लाइंग डाउन पोजीशन इन अ सुपाइन पोजीशन लाइक ऑन अ जब पीठ पे जब सोते हैं इन अ स्ट्रेट पोजीशन तो पेशेंट को थोड़ा सा ब्रीदिंग डिफिकल्टी हो सकता है. ऑन एग्जर्शनल डिस्निया हो सकता है. देन स्पीच स्लर्ड हो जाती है इस डिजीज में. सो इन दिस कंडीशन अगर रेस्पिरेटरी सिस्टम अफेक्ट हो रहा है तो समटाइम्स द डॉक्टर मे सजेस्ट यू टू यूज द बाईपैप. सो व्हाट इज बाईपैप? बाईपैप इज अ नॉन इनवेसिव वेंटिलेशन जो कि इजी ब्रीदिंग प्रोवाइड करता है फॉर द पेशेंट हु आर सफरिंग विद द रेस्पिरेटरी सिस्टम डिजीजेस लाइक द एमएनडी में जैसे मैंने आपको बताया रेस्पिरेटरी सिस्टम अफेक्ट होता है. So BiPAP is like a small machine which we can use it in the hospital also और हम घर पर भी use कर सकते हैं for the patients who require at home. इसका नाम है BiPAP and bilateral positive airway pressure. That means easy breathing sufficiently apply provide करता है. इसमें दो pressures होते हैं. One is inspiratory pressure which is called as an IPAP and EPAP is an expiratory pressure. आईपैप और ईपैप क्या होते हैं? जब हम सांस लेते हैं जब हम इनहेल करते हैं तो इंस्पिरेटरी प्रेशर जो है वो यूज होता है विच प्रोवाइड्स इजी ब्रीदिंग और ऑक्सीजन की सफिशियंसी हमारे लंग्स तक पहुंचाता है. व्हाट इज एक्सपिरेटरी प्रेशर? यानी कि जब हम सांस बाहर छोड़ते हैं तो सफिशियंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जितना हमारे बॉडी के बाहर निकलना चाहिए विद द यूज ऑफ बाईपैप वो सफिशियंटली बाहर निकल सकता है बिकॉज एज द पेशेंट इज हैविंग रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम. ओके, सो आई टेल यू अबाउट व्हाट आर द इंडिकेशंस फॉर बाईपैप. कब आपको ऐसे लग सकता है कि आपको बाईपैप की जरूरत है? फर्स्टली एक अगर इफ यू फील ब्रीदिंग डिफिकल्टी और समथिंग तो आप क्या कर सकते हैं? यू कैन चेक योर पल्स ऑक्सीमीटर विद पल्स ऑक्सीमीटर. यू कैन चेक योर ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल्स. सैचुरेशन लेवल्स समटाइम्स 95 और 95 के बिलो एंड इफ यू आर फीलिंग द ब्रेथलेस और समथिंग सो यू कैन कंसल्ट योर फिजिशियन. जितेश फिजिशियन जो होंगे आप उनसे कंसल्ट कर सकते हैं. सो दे हेल्प यू विद दैट कि आपको वेदर यू नीड अ बाईपैप और नॉट. पहले तो बाईपैप का यूज आपको जरूरत पड़ेगी या नहीं. सेकेंडली द बाईपैप आपको इंटरमीडियंट यूज करना है, ऑल्टरनेट डे यूज करना है, फॉर फ्यू आवर्स यू हैव टू यूज और कुछ घंटे के लिए बंद. ये डिसीजन योर डॉक्टर विल टेक. सो वंस यू गो टू योर डॉक्टर ही चेक योर पल्स ऑक्स एंड एवरीथिंग. देन ही डू एन ब्लड टेस्ट विच इज कॉल्ड एज आर्टीरियल ब्लड टेस्ट. आर्टीरियल ब्लड गैस दैट इज एन ABG. इसमें क्या पता चलेगा डॉक्टर को? अबाउट योर ऑक्सीजनेशन एंड कार्बन डाइऑक्साइड. फर्स्टली द ऑक्सीजनेशन अगर आपके इसमें ब्लड में कम है और रिटेंशन ऑफ CO2 कार्बन डाइऑक्साइड हो रहा है एंड अबाउट योर ब्रीदिंग पैटर्न डिफिकल्ट है डिफरेंट है एंड योर फीलिंग ब्रेथलेस और समथिंग सो डॉक्टर विल एडवाइज यू टू यूज द बाईपैप. एज वी नो अबाउट इन MND रेस्पिरेटरी मसल्स अफेक्ट होते हैं विच आर लाइक द अपर पैलेट है, फैरिंग्स है, द इंटरकोस्टल मसल्स है जो हमारे रिब्स के बीच में होते हैं एंड द डायफ्राम है. इसकी वजह से यू मे फील सम काइंड ऑफ
discomfort. So your doctor will be the right person to guide you for this, whether you need it or how long you need to be on a BiPAP. Okay, then I'll tell you about the contraindication. Few contraindications hai jo BiPAP ke ho sakte hai. Firstly, the general kind of discomfort. As we know about as BiPAP jo hai wo hum kaise attach karte hai. This is a BiPAP machine. This is the tubings and this is the mask. ये mask जो है patient के face पे लगाया जाता है. So as it is an external thing, बाहर से ventilation provide कर रहा है और face पे mask होगा. So जो है patient को कुछ kind of discomfort feel हो सकता है. Generally initial stages में you will feel kind of discomfort, but जैसे ही आप इसको used to हो जाएंगे, so you will feel better with that. And it is for your like the positive purpose. जो आपको है वो breathing में easily help करे. Okay, so first the general discomfort एक feel हो सकता है. With this the oxygenation ज़्यादा provide होगा उसे. You may feel some kind of dryness in the mouth area or the nasal cavity. ये कुछ kind of side effects हो सकते हैं for using the BiPAP. But it is for your betterment. So the doctor will let you know about ki for how much of duration you have to use the BiPAP or kitna like for the betterment of you basically. Okay, then about the contraindication, kuch contraindications hai BiPAP ko lekar. Usme ek ho sakta hai ki agar ek patient drowsy hai ya unconscious hai. As we know about the BiPAP jo hai, hum un patient ko indicate karte hai aur suggest karte hai who can breathe by themselves. अगर patient unconscious है या drowsy है तो patient खुद से जो है breathing नहीं कर पाएगा properly. So in that condition the BiPAP is contraindicated. The next thing is about the facial trauma or the burns. अगर इस area, इस region पे as हम लोग mask लगाने वाले हैं और patient को कुछ injuries है और a kind of burn वगैरह कुछ हुआ है इस area पे, so mask will cause more kind of like the discomfort or the injuries. So it is also contraindicated in facial trauma or the burn cases. Again the next thing is risk of aspiration. जैसे मैंने आपको aspiration के बारे में बताया है कि हम जब सांस लेते हैं तो जो patient जो है motor neuron disease के उनमें swallowing difficulty start हो जाती है. So as they breathe और जब वो खाना खाते हैं तो उनका जो food जो भी bolus है वो air pipe में जाता है, उसकी वजह से उनका aspiration की chances हो सकते हैं. अगर इस चीज का रिस्क है तो एक बाईपैप अवॉइड कर सकते हैं, बट अगर उस रिस्क को कम करना है फॉर द रिस्क ऑफ एस्पिरेशन तो उसके लिए आज हमने आपसे पहले भी डिस्कस किया है अबाउट द पेक ट्यूब. पेक ट्यूब क्या होता है, लाइक द पेशेंट विल नॉट हैव फ्रॉम द ओरल द माउथ से पेशेंट को नहीं देंगे, एक गैस्ट्रोलॉजिस्ट जो भी आपके होंगे उनसे आप डिस्कस करके एक पेट से एक ट्यूब डाली जाती है जहां से पेशेंट को खाना प्रोवाइड किया जा सकता है. एक रिस्क ऑफ एस्पिरेशन उससे बच जाते हैं कि पेशेंट को लाइक द स्वॉलोइंग डिफिकल्टी वगैरह जो सब है उसे वो थोड़ा सा उनको रिलीफ मिलेगा एंड द फूड विल प्रोवाइड थ्रू द पेक ट्यूब और बाईपैप का यूज इजीली पेशेंट्स कर सकते हैं. देन अबाउट द क्लीनिंग ऑफ दिस बाईपैप एंड टेल यू फर्स्टली द बाईपैप को कैसे ओपन करना है. सो ये मशीन है, वंस यू ओपन द स्विच उसके बाद यहाँ पर ये बटन है, सो विल ऑन इट, सो ब्लोअर इज ऑन हियर, द एयर इज कमिंग आउट ऑफ दिस. तो इसमें ये मास्क का ये पॉइंट जो होता है ये पॉइंट इसको हमको अटैच करना है और पेशेंट के फेस को कवर करते हुए एक मास्क लगाया जाता है. एंड फॉर दैट वी हैव टू मेक श्योर कि बाहर से कहीं से एयर लीक ना हो. अब बाईपैप बहुत डिफरेंट काइंड के मशीन जाते हैं, तो ये मशीन इज रेस्पिरोनिक्स का मशीन है. सो अदर कुछ मशीन होंगे उनके कुछ अदर सेटिंग्स हो सकते हैं, तो डॉक्टर विल गाइड यू अबाउट कौन सा मशीन को कैसे यूज करना है एंड फॉर हाउ मच लॉन्गर टाइम यू हैव टू फॉर द ड्यूरेशन ऑफ यू लाइक वुड बी द बेटर फॉर यू. आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, कुछ इन्फॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन मैंने दिए होंगे. एनी अदर क्वेरीज, एनी फर्दर क्वेरीज इफ यू हैव यू कैन जस्ट मेल अस ऑन आशा एक होप फाउंडेशन. And thank you so much for your time.